रहा है कि आज आपने मंदिर के पट बंद कर दिए और बाहर अनशन पे बैठे हैं और श्रद्धालु बाहर से ही दर्शन करके जाना पड़ रहा है, क्या कारण रहा है? 2005 में सुविधा 11/2005 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ और आज तक उसका आदेश का पालन नहीं हुआ जी। और मेरा खड़ा परिषद अखिली भारतीय खड़ा परिषद का भी आदेश का पालन नहीं हुआ। फसल भी काट के ले गए, उनको सजा भी हो गई। सजा वाले बोलते हैं 7 जनों को सजा हो गई, 7 टुकड़े करेंगे। तभी दुखी होकर पिंडित होकर न साधु समाज की सेवा कर पा रहा हूँ, नहीं कोई मंदिर का न्याय न्याय नहीं मिल रहा पूरा जी। तो आज 24 घंटे के अंदर शासन को निर्णय लेने ले, मैं अपने प्रयाण त्याग अभी से बाहर बैठा हूँ और कल फिर अंदर चले जाऊँ। सर, बार बार प्रशासनिक अधिकारी आपको ये आश्वासन देते हैं कि मंदिर की जमीन, और कई बार तो प्रशासनिक अधिकारी जाते भी हैं, लेकिन क्या ऐसा कारण रहता है? मेरे साथ में है ना, नकली कब्जा दिलाते हैं, नकली काम घर में जमाते हैं, नकली जमाते काकड़ पे ऊपर दूसरे को खेतन पंचनामा बनाते हैं। मैंने ये मंदिर की संपत्ति नहीं, मंदिर की संपत्ति आगे है तो बोलते तो आगे चल, मरने के लिए हम थोड़े चलेंगे। तो वही है, फोटो खिंचवा के वापस ला देते हैं। वो बाघ मरे डी के वर्मा और अभी शक्ति सिंह जी ने बोला है, आश्वासन दिया कि मैं करूँगा काम। अब अपने इंदौर साहब बोले, सवारी में बोलते थे कि हम आपको सवारी की बात सब कर देंगे, अभी तक नहीं किया। इंदौर साहब से बात कहा साहब ये करो, लेकिन मैं सवारी के अंदर 20 में बोला था, ये काम मैं सवारी के अंदर करना था 20 में, मेरे को उन्होंने आश्वासन दिया करेंगे, तो मेरे साथ धोखा कर रहे हैं भगवान के साथ में। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन ये नहीं कर रहे, वो इतने कहना चाहता हूँ, मैं प्राण त्याग दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।